पुनपुन में उफान से गांव में सड़क पर पहुंचा पानी, खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही नदी। भारी बारिश होने के कारण पटना के कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को अभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है। वहीं दूसरी ओर पुनपुन में आई बाढ़ ने पटना वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पुनपुन नदी पर बने रेल पुल के गार्डर पर पानी चढ़ने से पटना गया रेल रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जिस कारण नदी का पानी आसपास के गांव में सड़क पर आ गया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पटना गया रूट पर परिचालन बंद। रेलवे ट्रैक पर पानी चढ़ जाने के कारण फिलहाल अगले आदेश तक पटना गया रूट को बंद कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे ने यह फैसला लिया है। इससे पटना से गया के बीच रेल संपर्क टूट गया है। ट्रैक के निरीक्षण के बाद रेलवे ने गुरुवार शाम से पैसेंजर और एक्सप्रेस सभी तरह की ट्रेनों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया। पटना मसौढ़ी मेन रोड पर बह रहा बाढ़ का पानी। पुनपुन नदी उफान पर है, नदी का बहाव काफी तेज है। पटना मसौढ़ी मेन रोड पर बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ का पानी बांध के ऊपर से बहकर सुरक्षा बांध तक पहुंच गया है। इससे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। जिन गांव में पानी घुसा है वहां के लोग बांध, नेशनल हाईवे और अन्य ऊंची जगहों पर रह रहे हैं। लोगों ने जानमाल की हिफाजत के लिए अन्य कई ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा बांध पर कोई खतरा नहीं है। पालीगंज, धनरुआ, पुनपुन में नाव के साथ एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है।